के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। हमारा एक प्रयास रहता है हमेशा कि हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे मनाते हैं, इनका चाहे शहीदी दिवस हो चाहे जन्म दिवस हो, ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो ये महसूस कर सकें कि आज जिन हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, वो आज़ादी हमें ऐसे ही नसीब नहीं हुई, बल्कि उसके लिए हमारे सैकड़ों हजारों बलिदानियों ने जो है वो बलिदान दिया है। 23 या 24 वर्ष की आयु में लोगों के और हजार किस्म के सपने हो सकते हैं, लेकिन शहीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देके, बलिदान देके ये सिद्ध किया कि इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, वो हर नौजवान में जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। हमारा पैगाम, हमारा संदेश यही रहता है कि आज भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को कहीं ना कहीं बिखेरने का प्रयास करती हैं, इस देश को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करती हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज का नौजवान ये प्रण ले कि जब कभी भी इस भारत वर्ष पर कोई भी टेढ़ी नजर से देखेगा, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देने में कहीं ना कहीं सक्षम रहेंगे और इनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो इनके सपने अधूरे हैं, आने वाले समय में हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुख्य तौर पर यही मकसद रहता है, और इसमें तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने, उसके साथ साथ हमारे जितने भी एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, ये भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो हमारा यही पैगाम, यही संदेश रहता है कि हम इनको याद रखें और इसी प्रकार से किसी न किसी तरीके से शहीदों को याद करते रहें। मैं कुलवीर सिंह, रिटायर्ड CEO, तो आज हम शहीदी भगत सिंह शहीदी यादगार समिति की तरफ से इनका शहीदी दिवस मना रहे हैं। हम इनका जन्मदिन दिवस भी मनाते हैं और शहीदी दिवस भी मनाते हैं। तो 23 मार्च को ये 1907 में जन्मे थे और 1931 में इनको फांसी दी गई, और फांसी ऐसे तरीके से दी गई, इनको फांसी दूसरे दिन होनी थी तो इनको रात को फांसी दी गई, और रात को फांसी देने के बाद इनकी लाश डेड बॉडी के टुकड़े किए, बोरियों में डाले और सतलुज नदी के किनारे इनको तेल, पेट्रोल, डीजल, तेल डालकर इनको जलाने की कोशिश की। उधर से लोगों को पता लग गया, जब लोग आते देखे तो इन गोरों ने इन अध जली लाशों को उधर ही छोड़ दिया और सतलुज में बहा दिया। ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट की करतूत। तो इनको, इनकी शहीदी को देखते हुए हमें ये प्रण लेना चाहिए, धन्य है ये विभूति जिनने देश पर अपनी जान कुर्बान की 23-24 साल में। तो इनकी कुर्बानी को याद करते, इनकी शहीदी को याद करते हुए मैं पब्लिक को, लोगों को, हिंदुस्तान निवासियों को यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने अंदर राष्ट्रवाद पैदा कीजिए। राष्ट्रवाद जो है उसी से देश जो है आगे प्रगति कर सकता है। तो जिस देश का राष्ट्रवाद नहीं होगा, वो देश जो है वो खत्म हो जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों में भी राष्ट्रवाद की भावना हो, भगत सिंह की शहीदी दिवस जीवनी पढ़ें और अपने मुल्क के लिए कुछ न कुछ जो है योगदान दें। थैंक्स। पिछले 25-30 वर्षे दा पठानिया साहब, इंदे फादर साहब, इंदी एसोसिएशन जेड़ी है, असें भी दिखा कि भगत सिंह हुंदी जन्म जयंती होए, उनका शहीदी दिवस होए, और भी जिन्हें महापुरुष हैं उनकी याद करने की ऐसे प्रोग्राम कर दी है, और अज भी प्रोग्राम रखे दा है। तो जानते हो अज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हुंदी शहीदी दिवस है। अज दे दिन जिया कि ना पिछले साथी साढ़े सीनियर दसिया कि अंग्रेज सरकार ने एक षड्यंत्र तहत उन्हें की फांसी दे दी, पर वो वीर सपूत मां भारती दे साथियों हसदे हसदे फांसी उपर जे अपना उन्हें बलिदान देता अपने प्राणे दा, ताकि साड़ी भारत माता इन अंग्रेजे कोलो इन्हें की छुटकारा मिले। और आखिरकार वो दिन आया जदू कि ना छुटकारा मिलिया। साथियों, हो सकता है सानू उन्दे अगर अपने देश ले, अपनी मां भारती ले प्राणे दा बलिदान देने दा अवसर नहीं मिलिया, शायद नहीं भी मिले, पर मैं सच आखना चाहना अब तुहाडे माध्यम दे नाल सारे जी सानू अपने देश, अपनी मां भारती ले जीने दा अवसर मिलेगा। सानू चाहिदा है कि जेड़ा नेशन बिल्डिंग दा कार्यक्रम है,
नेशन की ट्रांसफॉर्म करने का कार्यक्रम है उदे च अपना भागीदारी बनिए, अपनी ईमानदारी नाल अपना भी योगदान देइए ताकि साड़ा देश साड़ी मां भारती एक बार फिर ये विश्व गुरु बनी सके। मैं एक बार फिर अपने के ना जिन्ने भी शहीद है साड़े भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरें की बड़ी नम आखे नाल उन्हें की नमन करना, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना। जी सर बताएंगे क्या कार्यक्रम उसके बारे में? देखिए आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में सारा हिंदुस्तान जानता है कि आज का दिन जो है बड़ा हमारे लिए दुखदायक दिन था जिसमें हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी राजगुरु और सुखदेव जी ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी बड़ी छोटी सी उम्र में 23-24 साल की उम्र, कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती है, माँ बाप बच्चे सब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्होंने देश के बारे में सोचा और इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ एक भूतपूर्व सैनिकों की वजह से कि आज बड़ा दुख होता है जिस तरीके से आजकल की घटना हो रही है, हमारे पॉलिटिशियन जो कि हमारे लिए एक रोल मॉडल होने चाहिए लेकिन किस तरीके से आज आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर देखिए वो करप्शन केस में फंसे हुए हैं, उनके डिप्टी सीएम देखिए वो करप्शन केस में फंसे हुए हैं। भले ये देश को और क्या संदेश देना चाहते हैं, हम भी भूतपूर्व सैनिक जितने भी है एक साल से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार ने आज तक हमारी नहीं सुनी है। और मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के जितनी भी हमारी जनता है 2% लोग भी जानते हैं कि आज का दिन है क्या, इसका महत्व क्या है। आप खुद देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, ये कितनी आबादी है जहाँ की, दो कॉन्स्टिट्यूशन है और जहाँ आज कौन है खड़ा, ये है जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है यही खड़े हैं ना। लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को जो हमारी जनरेशन है उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए आज हमारा सभी का ये दायित्व बनता है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हुए अपने देश के लिए जो भी अच्छा हो सकता है उसको करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत सर। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया चेयरमैन एसोसिएशन गढ़पुर एसोसिएशन। देखिए आज का दिन उन बहुतियों ने जिन्होंने इस देश के प्रति माँ भारती के प्रति राष्ट्र के प्रति अपने प्राण निछावर किए, व्यक्ति को जो मानव जन्म में सबसे प्यारी आधुनिक जो चीज़ होती है वो अपने प्राण होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्राण की परवाह नहीं करते हुए इस देश के प्रति माँ भारती के प्रति अपने प्राण निछावर किए। उम्र कितनी थी? 23-24 साल। 23-24 साल का जो बच्चा होता है वो तो उसकी सोच ये रहती ही नहीं है कि देश है क्या, धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, लेकिन धन है उनके माता पिता, वो दिगंबर आत्माएं, मैं उनको भी अपनी समस्त टीम की तरफ से अपने प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन चेयरमैन सभी की तरफ से वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आप लोगों के माध्यम से मेरी विनम्र विनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दुख होता है, ये हमारा ही काम नहीं यही था कि हम 65 की लड़ाई लड़ते, 62 की लड़ते, 99 की लड़ते, 71 की लड़ते, ये माता पिता के ऊपर भी डिपेंड होता है कि संस्कार दें बच्चों को, संस्कार में माता पिता को जो है बच्चों को समझाएं कि हमारा इस धरा के ऊपर अगर आए हैं, इस हमने जन्म लिया है तो हमारा मुख्य जो दायित्व है वो क्या बनता है। जब तक इसकी इस किस्म की प्रेरणा बच्चों को नहीं दी जाएगी तो वो धर्म के प्रति देश के प्रति वो कैसे जागृत होंगे। तो इन लोगों ने ये थोड़ा सोचा था, आज़ादी तो कहते हैं दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, मैं तो ये बोलूँगा कि बिना खड़क और बिना ढाल की आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी के पाने के लिए 4 लाख आदमी जो है वो कुर्बान हुए थे पहले, तो मतलब उन लोगों की वजह से जिन्होंने सिर्फ देश को अपना धर्म समझा और ये समझा। और मेरा इस उम्र में यही संदेश रहेगा इन बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को,
कि अगर माता पिता आपको नहीं समझाते हैं तो ऐसे ही समझने की कोशिश करें। अगर कोई अच्छे विचार मन में आते हैं, अगर इसमें अच्छा मीडिया में बयान आता है, तो दैट यू शुड कीप इन ए हार्ट, मतलब मिडिल ऑफ द हार्ट एंड डू फॉर द कंट्री इटसेल्फ, बिकॉज कंट्री इज एवरीथिंग। जैसे मैं इतना ही कहते हुए यही कहूँगा कि जागो जागो जागो, क्योंकि भारत माता के ऊपर कई षड्यंत्र भी हो सकते हैं। उन षड्यंत्रों का सामना तभी होगा अगर हमारा भाव जो है वो जागृत होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी, जय जवाहर।